हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम भारतीय संविधान से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं। फिलहाल अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन आपके पास डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर या श्री के एम मुंशी। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। सेम क्वेश्चन पूछा गया है बट लैंग्वेज चेंज है। ऑप्शन आपके पास सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के सभापति कौन थे। बी आर अम्बेडकर, श्री राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो राइट ऑप्शन आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा हो जाएगा। यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वही सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज अलग। कह रहा है कि कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमान अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ये चारों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं बट लैंग्वेज इनकी डिफरेंट है, बस मीनिंग सेम है। तो ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1949। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। 22 अक्टूबर 1947, 22 जून 1947, 22 जुलाई 1947 या 22 जनवरी 1947। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 22 जुलाई 1947। सी ऑप्शन करेक्ट है, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भारतीय जो ध्वज है हमारा राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने स्पोक हैं, 22, 24, 14 या 18। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 24 यानी तीलियों की संख्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा उसमें जो धर्म चक्र बना हुआ उसमें कितने तीलियां हैं। तो 24 तीलियां हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित है, सप्तमेव जयते, वंदे मातरम, जनगण मन या भारत माता की जय। तो यहाँ जो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतीक जो है हमारा उस पर सत्यमेव जयते शब्द अंकित है, जो कि आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो है उसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है, 3:5, 3:4, 3:2 या 2:4। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि किस वर्ष में एक संशोधन के द्वारा भारत की नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ दिया गया था, यानी जोड़ा गया था, 1996, 2003, 1992 या 1986। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1948 या 24 जनवरी 1950। तो यहाँ जो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च शक्ति वहां के नागरिकों में निहित है, यह विशेषता भारतीय राष्ट्रीय जीवन के निम्न मूलभूत तत्वों में से किसका वर्णन करती है, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षवाद, सामाजिक न्याय या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोकतंत्र, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है या भारत राज्यों का संघ है। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शब्द डेमोक्रेसी निम्न में से किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, यानी जो डेमोक्रेसी की उत्पत्ति है वो किस कहां से हुई है, किस भाषा के शब्द से हुई है, ग्रीक से, फ्रेंच के, जर्मन से या स्पेनिश से। तो यहां जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीक, शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना, 1956, 1950, 1952 या 1947।
तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है 1950 में। फिर कह रहा है कि संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या है, भारतवर्ष, कोई अन्य नाम नहीं है, भारत या हिंदुस्तान। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 या आर्टिकल 16। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार या प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ए और सी दोनों हो जाएंगे, शिक्षा का अधिकार और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या इनमें से सभी। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किसके विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की जाती है, किसी न्यायालय में लंबित मामले के विरुद्ध, गैर कानूनी नजरबंदी के विरुद्ध, वैधानिक कर्तव्यों के प्रतिवाद के विरुद्ध या न्यायाधिकरण से परे विचारणीय कर्तव्यों के विरुद्ध। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैर कानूनी नजरबंदी के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, यानी किस अधिकार के रूप में माना जाता है, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार या प्राकृतिक अधिकार। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया, 40वें, 42वें, 46वें या 44वें। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44वें संविधान संशोधन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत में संपत्ति का अधिकार है, यानी कैसा अधिकार है, मूल अधिकार, विधि का अधिकार, नीति निदेशक तत्व या नैतिक अधिकार। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विधिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत निम्न में से किसका उल्लेख है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का, मौलिक अधिकारों का, नागरिकता का या मौलिक कर्तव्यों का। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन है वो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निदेशक तत्व का विचार कहां से लिया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, USAAR के संविधान से, USA के संविधान से या आयरलैंड गणतंत्र के संविधान से। तो यहां आपका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, आयरलैंड गणतंत्र के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रजातांत्रिक सरकार सुनिश्चित करना, सशक्त केंद्र सरकार का प्रावधान, कल्याणकारी राज्य की स्थापना या कमजोर वर्ग के लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में निम्न में से एक मूल कर्तव्य नहीं है, सार्वजनिक चुनाव में वोट दे, ये तो मूल कर्तव्य है, वैधानिक टेम्पर विकसित करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें या संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों का आदर करें। यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, जहाँ जो यहाँ ए ऑप्शन वही आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो सार्वजनिक चुनाव में वोट दे ये एक मूल कर्तव्य नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि संविधान का अनुच्छेद 52 संबंधित है, यानी किससे रिलेटेड है, लोकसभा अध्यक्ष से, प्रधानमंत्री से, मंत्रिपरिषद से या राष्ट्रपति से। तो यहाँ का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।